अब इसके बाद सेक्शन ई यानी कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन देखिए। व्हाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक अ टीचर आस्क द स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज्ड बाय एक्स यूनिट्स ईच डबल द एरिया ऑफ द फोटो। द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। समझे, एक फोटो है हमारे पास इस तरीके से, उस फोटो की लेंथ और ब्रेड्थ को एक्स एक्स यूनिट्स बढ़ा दिया गया है, लेंथ को भी और ब्रेड्थ को भी। और पहले उसकी लेंथ थी 18 और जो ब्रेड्थ थी वो थी 12। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब इस फोटो की लेंथ बढ़ा दी, तो उससे कंडीशन क्या बनती है कि जो पहले वाला एरिया था ना उसका डबल हो जाता है इस नए वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो इस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहला राइट द एल्जेब्रिक इक्वेशन डेपिसिटिंग द अबव इक्वेशन। तो काफी सिंपल है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। लेंथ क्या है, एक्स प्लस 18। ब्रेड्थ क्या है, एक्स प्लस 12। और इससे जो एरिया मिल रहा है वो पहले वाले एरिया का यानी 12 × 18 पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या बनता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसका डबल ये एरिया बनता है, यानी इसका डबल कर देंगे तब इनका एरिया बराबर होगा। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये पहला क्वेश्चन है हमें लिखना था। राइट कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 18x प्लस 18 × 12 हो जाएगा 216। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 216। इसको इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 30x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द न्यू डाइमेंशंस ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो, इस एनलार्ज्ड फोटो के नए डाइमेंशंस क्या होंगे। तो नए डाइमेंशंस निकालने के लिए मैं ये एक्स की वैल्यू निकाल लूं तो फिर मुझे नया लेंथ और नया ब्रेड्थ दोनों मिल जाएंगे। तो यहां पर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो माइनस 216 हो और ऐड करने पर प्लस 30 हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 36, माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 36 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x आ गया माइनस 36, एक आ गया x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू माइनस 36 तो होगा नहीं, क्योंकि x भी क्या है, लेंथ है, और लेंथ कांट भी नेगेटिव। फिर उसके बाद x होगा 6। तो न्यू लेंथ क्या बन गई हमारे पास, न्यू लेंथ बन जाएगी 18 प्लस 6 दैट इज 24। न्यू ब्रेड्थ क्या बन जाएगी हमारे पास, 12 प्लस 6 दैट इज 18। इस थर्ड का एक और वाला पार्ट और दे रखा है, वो क्या कह रहा है, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स कैन मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जो नए एरिया को 220 बना सके। तो नया एरिया क्या है, x प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 12। क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जो इसको 220 बना सके, तो चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि नहीं, रैशनल वैल्यू की वो बात कर रहा है।
इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 260, इधर ले आएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप समझें कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर रेशनल वैल्यूज कब मिलती हैं। आप समझो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है एक ऐसा नंबर आए जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाए तो जो रूट्स मिलते हैं वो रैशनल होते हैं, अदरवाइज वो इरेशनल होते हैं। तो मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ऐसा नंबर मिल गया यहां पर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाए तो ऐसी एक्स की वैल्यू पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। 30 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 900 प्लस 16 यानी 916, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल, वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी एक्स की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो यहां पर इस नए वाले एरिया को 220 बना दे।